हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट नंबर टू में आज जो दो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस हैं और फोटोसिंथेसिस दूसरा टॉपिक्स। तो आज की क्लास में हमें इन दो टॉपिक पे चर्चा करनी है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि हम लोगों ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के टॉपिक में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करी थी, और आपको याद भी आ रहा होगा कि मैंने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप के ऑटोट्रॉफिक समझाए थे, जिसमें बताया था एक फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा बताया था कीमो ऑटोट्रॉफिक्स। तो इन दोनों के बारे में मैंने चर्चा कर ली है, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक टर्म बहुत अच्छा समझाया था जिसका नाम था मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में दो तरीके से समझाए थे, एक समझाया था एनाबॉलिज्म और दूसरा समझाया था कैटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं और एनर्जी को बनाते भी हैं। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों के सामने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। तो आज की क्लास में मैं जो मेन कंसेप्ट लेके चलूंगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आज मुझे चर्चा करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे अपना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जानते हैं कि हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कितने टाइप्स का होता है। इसका मतलब हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को भी डिफरेंट कैटेगरीज में रखा हुआ है, क्योंकि सारे न्यूट्रिशंस एक तरीके के नहीं हो सकते। प्लांट अपना एक डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन सिंथेसाइज करता है, जिसमें आप लोगों ने उसको ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में रखा था, और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या वो अर्थ पे सर्वाइव नहीं करेंगे? वो भी रहेंगे। तो उनको हम एक दूसरी कैटेगरी में पढ़ेंगे जिसका नाम है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की भी हम लोग कुछ सब कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले यहां पर आपके कुछ थ्योरी है जिसे मैं डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। तो ऑल एनिमल्स जैसे प्रोटिस्ट्स और बैक्टीरिया, अब आप कहोगे ये प्रोटिस्ट कौन से एनिमल्स होते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी अगर याद नहीं है तो मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन को भी बताया हुआ है कि प्रोटिस्ट इस तरह के सिंपल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को 9th क्लास में चर्चा किया गया है। दैट आर नाइदर प्लांट, कहा गया कि प्रोटिस्ट्स ऐसे सिंपल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना तो प्लांट्स होते हैं और ना ही एनिमल्स या फंगी होते हैं, जबकि प्रोटिस्ट एक टाइप के यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं, बट कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑफ ए कॉलोनी ऑफ सेल्स, और वो सेल्स के कॉलोनीज में यानी ग्रुप्स में रहते हैं, ऐसा बताया गया है। प्रोटिस्ट में जो एनिमल शामिल होते हैं यानी कि जो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, तो मोस्ट प्रोटिस्ट लिव इन वाटर, ज्यादातर बताए गए हैं कि ये पानी पर रहते हैं या फिर डैम्प टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में रहते हैं, और उसके साथ साथ ये कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। तो मैं सिर्फ यहां पर प्रोटिस्ट के बारे में डिफाइन किया, और मैं प्रोटिस्ट क्या एक्चुअल में होते हैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे यहां पर अभी अपने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करनी है, जिसमें सारे के सारे प्रोटिस्ट भी और बैक्टीरियाज भी और एनिमल्स भी एंड ह्यूमंस भी, जिसमें कॉम्प्लेक्स भी शामिल होते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। और ऑटोट्रॉफिक्स जो कहलाते हैं वो एक्चुअल में प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक्स को आप कंज्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि वो तो अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये एनिमल जो है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए बोला गया है कि हेट्रो का मतलब ही है अदर के ऊपर डिपेंडेबल रहना, इसीलिए बोला गया कि ये डेड भी हो सकते हैं, लिव भी हो सकते हैं। क्योंकि जब मैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करूंगा तो उसके अंदर तीन डिफरेंट कैटेगरीज भी बताई जाएगी। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को किसी दूसरे से लेते हैं उनको आप हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, और जिस फूड को वो प्राप्त करते हैं उसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक सिंपल सी बात हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बता दी गई। यहां पर एक स्टूडेंट्स एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि यहां पर यीस्ट के बारे में एक एग्जांपल दिया गया है जिसे आप हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि ये भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, अपना फूड खुद से प्रिपेयर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई।
अब इसी को स्टूडेंट्स एक चार्ट से समझते हैं, जिस चार्ट को मैंने पीछे भी समझाया हुआ है और यहां पर भी मैं उसको दोबारा से बता रहा हूं कि ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ही हो गया सेल्फ फीडिंग, जो सिंथेसाइज करना इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। और वही इनऑर्गेनिक सोर्सेज में मैंने बोला था कि कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन मौजूद होता है, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसी को मैंने CO2 या फिर वाटर बताया था कि ये सिंपल होते हैं जिन्हें आप इनऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर है। और हेटरोट्रॉफ्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के बताए गए हैं, जैसे यहां पर कंज्यूमर्स, एक तरीके से इनको होलोजोइक कहते हैं, और सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, और देन पैरासिटिक कहा जाता है। तो इन तीनों की चर्चा आज की क्लास में होनी है, और फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जिसके अंदर हम लोगों ने केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपने फूड को प्रिपेयर करा, यानी केमिकल का ब्रेकडाउन किया एंजाइम्स की हेल्प से और अपना फूड बनाया, और यहाँ पर हमने सनलाइट यानी सन की एनर्जी का यूज करते हुए कार्बोहाइड्रेट यानी अपना फूड बनाया, जिसे आप सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो आज की चर्चा जो होनी है वो स्टूडेंट्स तीन टाइप के हेटरोट्रॉफ्स की होनी है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करते हैं वो तीन तरीके के डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जितने भी हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं उन सबका फूड सेम नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर आपको दाल रोटी खाना पसंद है तो क्या आपके आसपास जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो मॉस्किटोज वगैरह हैं, वो भी दाल रोटी खाते हैं? नहीं। मॉस्किटोज का फूड आपका खून चूसना है, लेकिन मॉस्किटो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, समझ में आ रही है ना? बट आप मॉस्किटो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, तो आपकी कैटेगरी अलग है, मॉस्किटो की कैटेगरी अलग है। इसीलिए दूसरे टाइप का जैसे फंगस होता है, तो फंगस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो फंगस है वो ना तो मॉस्किटो वाली कैटेगरी में आ सकता है ना ह्यूमंस वाली कैटेगरी में आ सकता है। इसका मतलब है कि इसकी कैटेगरी अलग है, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है और उससे अपना फूड लेता है। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन सभी कैटेगरीज में पहले हम शुरू करने वाले हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी इसको कहते हैं। ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस क्या है, यानी सेप्रो का मतलब ही स्टूडेंट्स बताया गया है रोटन्स यानी डेड एंड डिकेइंग, इस बात को ध्यान रखना, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। और फाइटिक्स का मतलब जो एक्चुअल्स में आता है स्टूडेंट्स वो आते हैं ईटर्स। तो ऐसे ईटर्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपने फूड को लेते हैं वो सेप्रोफाइट कहलाते हैं, और जिस फूड को वो प्राप्त करते हैं उसी को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा गया है। तो डेफिनेशन स्टूडेंट सिंपल लिखी हुई है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, हम इस तरह के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स बॉडीज या डेड या रोटन ब्रेड्स वगैरह। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज को समझिए यहाँ पर, कि मान लीजिए आपको ब्रेड प्रिपेयर करना है, तो आपने ब्रेड प्रिपेयर करने के लिए क्या करा, उसका डो बनाया, ठीक है, और डो को आपने कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा कि उसके अंदर डो के अंदर क्या हो जाएंगे, फंगस पैदा हो जाएंगे। तो वो फंगस क्या करेंगे, वो उस डो के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर उसके अंदर जो ग्लूकोज है उसको यूज करेंगे, और बदले में उस डो को क्या दे देंगे, उस बदले में उसको अल्कोहल देंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपको उस डो के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, और देखेंगे कि उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर देंगे, बदले में क्या देना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो डो जो है वो कुछ फ्लफी हो जाएगा, कुछ लचीला सा आपको दिखने लगेगा। उन्होंने क्या करा कि उसके अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट और फूड है उसको ले लिया और उसके अंदर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। तो ये तो एक डो के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करें डेड प्लांट्स और डिकेइंग मैटर्स पे, तो स्टूडेंट्स ये फंगस जो है वहां पर बहुत तेजी से अगर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जैसे फंगस का एक एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा मशरूम होता है, तो मशरूम को ग्रो कराने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है कि उसके नीचे जो बट्टी है जो भी चीज़ें रखनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा खराब यानी सड़ी हुई चीज़ें लगानी पड़ती हैं, जिससे फूड प्राप्त करेगा कौन, मशरूम फूड प्राप्त करना शुरू करेगा। तो एक सिंपल शब्द में अगर मैं कहूं तो सेप्रोफाइट्स का मतलब यह है कि ऐसे
प्लांट्स या फिर ऐसे फंगस या बैक्टीरिया वगैरह जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्चुअल में जो वो फूड होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं उसको सिंपलर बनाते हैं। अब आप कहोगे सर ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बनाने की क्या ज़रूरत है भाई स्टूडेंट्स, अगर आपको के सामने खाना रख दिया जाए और उसमें रोटी हो, चावल हो या और कोई वैरायटी हो तो आप उसके पहले पीसेस करेंगे, तभी तो आप उसको अपने माउथ से बाइट करके और उसको क्या कहते हैं क्रश करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो उस कॉम्प्लेक्स को सिंपलर बना रहे हैं, जब वो सिंपलर बन जाएगा तब आप उसका यूज़ करेंगे। तो ये फंगस भी क्या करता है, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे ग्रो करता है बहुत तेज़ी से और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और सिंपलर में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको यूज करना शुरू करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का, यानी जो डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंड है। इसकी डेफिनेशंस आगे भी हैं। सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, रोटन लीव्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी रोटन ब्रेड्स, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा आगे लिखा हुआ है कि सेप्रोफाइटस रिलीजेस क्या करते हैं, हाइड्रोलाइजेस एंजाइम्स, क्योंकि वो अपने एंजाइम्स की मदद से उस डेड एंड डिकेइंग मैटर के अंदर मौजूद कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर बनाना शुरू करते हैं। तो दीज एंजाइम्स, वो एंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसको, जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स में हैं उसको पहले सिंपलर बनाएंगे, देन उसके बाद उसको यूज करना शुरू करेंगे। तो इसी को लिखा हुआ है दीज आर द एब्जॉर्ब्ड बाय द सेप्रोफाइटस और फिर उसको यूज करते हैं और यूज करने के बाद सेप्रोफाइटस ऐसे फूड को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहां पर कुछ सेप्रोफाइटस के एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, फंगी और बैक्टीरिया इसके अंदर शामिल हैं। तो फंगीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम वगैरह, यीस्ट वगैरह, ये सारे सेप्रोफाइटस हैं। मैनी बैक्टीरिया और सेप्रोफाइटस, तो बैक्टीरिया और ज्यादातर फंगीज को सेप्रोफाइटस की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगला सेकंड के आगे, यहां पर कुछ और बातें देखो लिखी हुई हैं। वी नो दैट फंगी एंड बैक्टीरिया आर ए काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, सो वी कैन ऑल्सो से दैट सेप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्या है, कि एक टाइप के प्लांट्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के फूड को जो कॉम्प्लेक्स में होता है एंजाइम्स की हेल्प से उसको सिंपलर बना देते हैं। जब तक वो सिंपलर नहीं बनेगा स्टूडेंट तब तक वो यूज नहीं कर पाएंगे। इस बात को मैंने बार बार यहाँ लिखा हुआ है, यही लैंग्वेज देखो जब भी आप कोई एग्जाम करते हैं देने बैठते हैं तो उस एग्जाम में जो डेफिनेशन लिखते हैं, जो भी बात आप लिखते हैं वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल्स पर, कि आपने उस डेफिनेशन को कितना अच्छा लिखा हुआ है। जितना ज़्यादा आप अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा करेंगे, डेफिनेशन की लैंग्वेज को अच्छा करेंगे, उतने ही आपके नंबर्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को, और बायोलॉजी की बात आ जाए तो बायोलॉजी में तो आपको अपने डेफिनेशन के साथ साथ अगर उसका कोई डायग्राम रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं वो भी लगा देंगे तो फिर आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो यहाँ बार बार बात एक ही चीज़ की जा रही है स्टूडेंट्स, कि उनको ब्रेक डाउन करना है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में बना देना है, और ये सारा काम वो अपने बॉडी के आउटसाइड करते हैं। तो दीज सिंपलर सब्सटेंसेस आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय द सेप्रोफाइट्स एज देयर फूड और फिर वो सिंपलर सब्सटेंसेस को अपने फूड के तौर पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, यानी लेना शुरू कर देते हैं। ये सब आप इसके फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ग्रो करते हैं। ब्रेड मोल्ड वगैरह भी आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्शन होता है एक तरीके से स्पोर्ट्स का होता है, फिर वो स्पोर्ट्स बस्ट हो जाते हैं। तो ये एक डायग्राम्स और फिगर्स आपको दिखाए गए हैं। अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स पैरासिट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का आपने 6th, 7th, 8th क्लासेस में इसके बारे में जो डेफिनेशन पढ़ी है वो खास तौर से जो वर्ड आपने सुना है वो होस्ट, क्योंकि ये अपने होस्ट से अपने फूड को लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस होस्ट से फूड लेते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कि अब जैसे इसका मैं स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि आप किसी दिन अपने या आपके घर पे कोई मेहमान आता है या आपके फ्रेंड्स आते हैं, कुछ भी आते हैं। अब वो आया आपके यहाँ मेहमान, आपने उसको क्या करा, आपने उसको क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई। कोल्ड ड्रिंक्स आप लेकर आए, आपके फ्रिज वगैरह में कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी रहती थी, आप आया उसने आपने निकाला और उसको आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिला दी, ठीक है।
दोबारा क्या हुआ, वो दोबारा 2-4 दिन बाद फिर आया और अपने साथ 3-4 दोस्तों को और लेकर आया। आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने फिर अपने फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाली और उसको कोल्ड ड्रिंक पिला ली। अब तीसरी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स वो आता है आपके घर पे और आपको और बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर आ जाता है। अब आपने क्या करा, आपने उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई, उसने खुद क्या करा, वो जाता है आपके फ्रिज खोलता है और वहाँ से कोल्ड ड्रिंक निकालता है, खुद भी पीता है और जो साथी लोग आए हैं उनको भी पिलाता है। और हो सकता है कि वो वहाँ से चला जाए, नहीं भी जाए, वहीं पर रहे, ऐसा भी हो सकता है कि वो वहीं पर रहे, वहाँ से जाए ना। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल पैरासिटिक की तरह है। पैरासिटिक भी ऐसे होते हैं कि जो आपके अंदर आते हैं, रहते हैं, यूज़ करते हैं, आपको खबर भी नहीं होने देते। जब आपके शरीर के अंदर वो एंटर कर जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। जैसे स्टूडेंट्स आपके शरीर में बालों में जू हो जाती हैं, जू, अब वो जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और आपका ब्लड चूसने लगती हैं तब आपको मालूम चलता है कि कुछ हमें परेशान कर रहा है, कुछ हमें परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा होने की वजह से। जैसे वो स्टूडेंट्स आपके स्टमक में पेन हो गया, मान लीजिए आपके स्टमक में पेन हो रहा है, अगर आपके स्टमक में पेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता चला, जब आप पेन हुआ तो पता चला कि कुछ पैरासाइट्स आपके शरीर के अंदर चले गए हैं, जो वॉर्म्स हो सकते हैं या कुछ और ट्रिक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इतने सारे पैरासाइट्स आपके शरीर के अंदर हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपकी बॉडीज़ को कभी भी फायदा नहीं देते, ये नुकसान ही पहुँचाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, प्लांट्स के अंदर कुछ पैरासाइट्स ऐसे हो सकते हैं जो उसको बेनिफिट देते हो, लेकिन कोई पैरासाइट्स ऐसा नहीं है स्टूडेंट जो आपको बेनिफिट देता हो, फायदा पहुंचाता हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी हुई है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कोई ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेता है, जब जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेता है उसे आप होस्ट कहते हैं। और यहाँ पर ये बात मैंने अभी बोली विदाउट किलिंग इट, कि वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाता, वो उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, बस उससे अपना फूड को गेन कर रहा है। इससे ऐसे टाइप के न्यूट्रिशंस को पैरासिटिक न्यूट्रिशन में रखा गया है। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड द पैरासाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप पैरासाइट्स कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हूज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द होस्ट। और वो जिसकी बॉडी से लेते हैं वो होस्ट कहलाता है, जो ले रहे होते हैं उन्हें पैरासाइट्स के नाम से बोला गया है। तो पैरासाइट्स दैट कॉजेज डिसीज इन द होस्ट इज कॉल्ड अ पैथोजन। तो पैरासाइट जो है वो आपके शरीर में बीमारी फैलाते ही फैलाते हैं। अभी तक कोई पैरासाइट ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान ना पहुंचाता हो, भले ही प्लांट्स के अंदर कुछ फायदेमंद होते हों लेकिन आपकी बॉडी को अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बीमारी फैला रहे हैं, तो ऐसे बीमारी फैलाने वाले पैरासाइट्स को जो होस्ट को बीमार करते हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, पैथोजन कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो पैरासाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स मैंने पैरासाइट्स की भी दो कैटेगरीज बांटी हुई हैं। एक का नाम दिया है इक्टोपैरासाइट्स और दूसरे का नाम है एंडोपैरासाइट। इन दोनों में फर्क क्या है पहले यहां पर एग्जाम्पल से देखते हैं और डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इक्टो पैरासाइट्स आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। पहली बात एक्सटर्नल, इक्टो माने एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ हो, एंडो माने जो अंदर हो, उन्हें इक्टो यानी एक्सटर्नल और एंडो यानी के इंटरनल पैरासाइट्स के नाम से समझेंगे। दिल आइदर लिव ऑन द होस्ट बॉडी और अटैच्ड टेम्पररीली टू सक द ब्लड। या तो वो होस्ट बॉडी के अंदर लिव कर रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं टेम्पररीली सकिंग द ब्लड। जैसे मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो आपके ब्लड को सक करता है टेम्पररली, लेकिन जो लाउस होती है, लाइस होती है, ये आपके बालों के अंदर एंटर कर जाती हैं और वहाँ पर ही रहती हैं। तो ये क्या है, लिव ऑन द होस्ट, लिव लिव, ये इस कंसेप्ट को समझना है, ये लाइन को समझना है, वर्ड को समझना है, वर्ड टू वर्ड सुनिए मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला लिव ऑन द होस्ट बॉडी और अटैच टेम्पररली, तो टेम्पररली का जो काम कर रहा है वो समझने के लिए मॉस्किटो वगैरह है। और जो सक, क्योंकि मॉस्किटो क्या करता है आपके ब्लड को सक कर रहा है, तो अगर आपके ब्लड को सक कर रहा है तो ये पैरासाइट ही तो हो गया ना आपके लिए। एग्जाम्पल मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पर, लीच, बैडबग, लाउस, मॉस्किटो, चाहे वो लिव ऑन द होस्ट या फिर टेम्परली सक द ब्लड, इन सबको आप इक्टो पैरासाइट के नाम से जानते हैं।
दूसरे बात आते हैं एंडोपैरासाइट, क्योंकि ये आपके शरीर के ऊपर है। अब जुए आपके शरीर के अंदर नहीं है, है तो बाहर ही, लेकिन आपके बालों के अंदर बैठी हुई हैं, लिव कर रही हैं, बॉडी के अंदर नहीं गई हैं। ये बात फर्क समझिएगा। दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम। ये क्या करते हैं कि ये होस्ट बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इनसाइड जाने के बाद बॉडी के अंदर उससे फूड को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। इसका नाम स्टूडेंट आपने बहुत सुना है, ये वायरसेस, ये बहुत तेजी से आपके शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ प्रोटोजोन्स हैं, राउंड वर्म्स हैं, हुक वर्म्स हैं, ये सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आपके शरीर के इनसाइड अपना फूड ड्राइव करते हैं। तो आपकी बॉडी इनके लिए हो तो है तो होस्ट ही, और ये पैरासाइट्स हैं, लेकिन ये इनसाइड हैं और जो एक्सटर्नल वाले हैं वो आउटसाइड हैं। इस बात का ध्यान रखने वाली बात है बस। तो मैनी फंगी एंड कस्क्यूटा और फ्लावरिंग प्लांट और ऑल प्लांट पैरासाइट्स। तो यहाँ पर यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, बहुत सारे फंगीज और कस्क्यूटास, यानी कि कस्क्यूटा क्या, फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। इन सभी को हम लोग पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं और ये क्या कहलाते हैं, ये प्लांट पैरासाइट्स कहलाते हैं। और मैंने कहा कि प्लांट पैरासाइट कुछ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो भी पैरासाइट्स आपके शरीर के अंदर रहते हैं वो बीमारी फैलाते हैं, वो कभी आपके लिए फायदेमंद हो ही नहीं सकते। जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दिए हैं, लीच का, टिक्स का, लाइस का और कस्क्यूटा का, ये एग्जाम्पल्स हैं जो पैरासाइट्स के हैं। तीसरे टाइप का न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, जिसको आप कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है स्टूडेंट, पहले इस बात को समझ लेंगे। होलोजोइक का मतलब है कि आप न्यूट्रिशन तो दूसरे से ले रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन दूसरे से लेने के बाद उसका आप खुद यूज कर रहे हैं। खुद कैसे कर रहे हैं कि मान लीजिए कि मैं एक प्लांट ईटर हूँ, मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन रखता हूँ, मैं और आप दोनों ही होलोजोइक में आते हैं, बट मैं प्लांट ईटर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लांट प्रोडक्ट से फूड लूँगा, लेकिन फूड लेने के बाद मैं उसको इंजेशन करूँगा, डाइजेशन करूँगा, एब्जॉर्प्शन करूँगा, एसिमिलेशन करूँगा। तो ये जो काम कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, ये मैं खुद कर रहा हूँ, इसीलिए मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाऊँगा। अब आप कहोगे सर ऑटोट्रॉफिक में आप लोगों ने बोला था कि वो खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक में बोला था कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम तो सर सुबह शाम अपना फूड खुद ही तैयार करते हैं। तो जो फूड आप किचन में बैठ के तैयार कर रहे हो ना, वो फूड आपने किसी दूसरे से लिया है, या तो वो प्लांट प्रोडक्ट्स है या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट है, उसको सिर्फ आप मेक कर रहे हो, बना रहे हो अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज के लिए, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस आप लगाओगे, इंजेशन, डाइजेशन, प्रोसेसन, वो सब आपको खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करके देगा, इसीलिए हम उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये बात समझने कि होलोजोइक का मतलब है न्यूट्रिशन तो दूसरों से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको करने का काम हम खुद ही करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस हो गया फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, हम यहाँ पर जो भी सॉलिड फूड है उसको फीड करते हैं, विच मे बी प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या कोई एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ज़्यादातर एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब वो होलोजोइक के भी अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो एक बात समझ में आ गई कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप जिस भी सॉलिड फूड को गेन करते हो उसको बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन आप इनटेक करते हो, इंजेशन के बाद आप क्या करते हो, उस फूड को डाइजेस्ट करते हो, यानी एंजाइम्स की मदद से उसको ब्रेक डाउन करते हो, और आप भी क्या करते हो, उसको सिंपलर सब्सटेंस बनाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स उसे तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब वो सिंपलर है। अगर वो सिंपलर नहीं है तो आप उस कॉम्प्लेक्स बॉडी को, कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। एंजाइम्स की मदद से आप अपने कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हो, सिंपलर बनाते हो, और फिर आपके बॉडी के सेल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। यही बात मैंने आपको सेप्रोफिटिक में बताई थी कि वहां पर भी क्या होता है कि जो फंगस होते हैं वो एक्चुअल में किसी भी फूड के ऊपर या किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर जल्दी से ग्रो कर जाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका यूज करते हैं। तो इतनी बात तो अभी तक समझ में आ रही होगी कि हम लोगों ने जो कैटेगराइज किया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को, वो तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दी।
आगे कहता है द अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनअब्सॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंजेशन से शुरुआत करते हैं और लास्ट इंजेशन पे ख़त्म करते हैं। तो जब भी आपने फूड लिया उसके अंदर से जो भी वेस्ट निकला उस वेस्ट को बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन आप अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव ए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स आते हैं उसमें एनिमल्स हैं, आप भी हैं, उन सब का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो होलोजोइक ही होता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है, जितने भी नाम आप ऐसे जानते हैं, मैन, कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लॉयन, इन सब का मोड ही क्या कहते हैं होलोजोइक है, जिसमें आपने शामिल किया हुआ है अमीबा, जबकि ये सिंगल सेलुलर होता है, लेकिन ये भी फूड को इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन सब कुछ करता है। तो इसको भी हम लोगों ने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा हुआ है, और जब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें अमीबा के भी न्यूट्रिशन को क्लियर करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को तीन चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई कि हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक को हम लोगों ने दो तरीके से तोड़ दिया, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक, और हेटरोट्रॉफिक के तीन कैटेगरीज कर दी, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और लास्ट होलोजोइक। तो इस तरीके से जो भी कुछ अभी तक आप लोगों ने ऑटोट्रॉफिक में और हेटरोट्रॉफिक में पढ़ा है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसी के बेस पर मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंस लिखे हुए, इनको समझ लो। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप इनको लिखेंगे तो आप अपने आप से खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये क्लियर ही नहीं होगा तो फिर आपको लिखने में प्रॉब्लम ही आएगी। समझ रहे हैं इस बात को? सबसे पहले लिखा हुआ है अक्यूरेंस क्या है, इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एक्चुअल में जो आते हैं वो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है, ये भी ध्यान रखना, ये ऑटोट्रॉफिस के अंदर आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा हेटरोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं, इट अकर्स इन एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये भी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि नॉन ग्रीन प्लांट जो है वो यीस्ट वगैरह, और एनिमल्स में बहुत सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर शामिल होते हैं। फूड का सोर्स क्या है, सेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पर रेडीमेड फूड मिलता है, बस उस रेडीमेड फूड को इस्तेमाल करते हैं, वो रेडीमेड फूड प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल्स से भी मिल सकता है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मैंने बताया था कि प्लांट के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो दो तरीके से है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बताया था, दूसरा नाइट्रोजन और सल्फर बताया था, क्योंकि मैंने कीमो ऑटोट्रॉफिस के अंदर आप लोगों को पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बताया था और नाइट्रोसोमोनस के बारे में बताया था, यानी नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है, जितने भी पल्सेस होते हैं यानी दाल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, और वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन से यानी एटमोसफेयर से नाइट्रोजन का सॉइल के अंदर फिक्सेशन कराने का काम करता है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको भी ध्यान रखना, जो भी कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है डिफरेंस मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है, यहां पर ध्यान रहेगी। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स क्या बताए थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि हेटरोट्रॉप्स का मतलब है डायरेक्ट लें यानी डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को यूज करें, या फिर इनडायरेक्ट वे में जो एनिमल्स प्लांट के प्रोडक्ट को फीड करते हैं हम उन एनिमल्स को फीड करें, तो वो हो गया इनडायरेक्टली, यानी इनडायरेक्टली हम लोग प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेबल है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यानी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रोसेस प्रेजेंस होना जरूरी है, और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्लोरोफिल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे रॉ मटेरियल्स कहे जाते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर किसी भी तरीके के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो फूड हम लोग लेते हैं वो ऑलरेडी प्लांट्स के द्वारा बनाया गया होता है, जो ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक फूड होता है उसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, उस फूड को हम लोग गेन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इंजेशन और डाइजेशन का प्रोसेस एक्चुअल में प्लांट में नहीं होता, लेकिन प्लांट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड को प्रिपेयर करने का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
लेकिन वही चीज एनिमल्स में नहीं होती। इनके पास इंजेशन और डाइजेशन करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया गया है, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसेंशियल स्टेप्स ये रिक्वायर्ड रहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। और लास्ट है पोजीशन इन फूड चेन। फूड चेन की अगर पोजीशन, जो आप लोग आगे चल के अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे कि ये प्रोड्यूसर्स होते हैं और जितने भी हेटरोट्रॉफिक्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर क्लियर हो गया होगा, अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आप इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं एग्जाम में। और जितना ज़्यादा आप अपने राइटिंग स्किल्स को अच्छा करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। इतना कंसेप्ट समझाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपका एक या आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर, आपको 100 मार्क्स ही लेकर आने हैं। ये सब कुछ इसीलिए इतनी मेहनत से बताया जा रहा है। क्लियर हो गया, आगे मूव करते हैं। तो दूसरा प्रोसेस जो हमारा स्टूडेंट्स है, जो आगे टॉपिक है, वो हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। और सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, क्या है, जो आप ऑलरेडी 8th to 9th क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, कि आपने जो अभी तक 8th, 9th क्लास में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या वो डेफिनेशन सफिशेंट है इस क्लास में भी, या इसके अलावा हम फोटोसिंथेसिस की कोई और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और फिर दूसरा, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये एक्चुअल में प्लांट के किस हिस्से में होता है, कहां पर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में भी यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स का एक न्यूट्रिशन है, जो सबसे पहला पार्ट है। जैसा कि आप इस डायग्राम से देखकर बहुत कुछ समझ रहे होंगे कि जो भी प्लांट्स यहां पर देख रहे हैं आप लोग, कि प्लांट्स क्या करता है, कि प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी लेता है। ध्यान से समझने वाली बात है, वर्ड टू वर्ड बड़े ध्यान से समझिए। मुझे थोड़ा सा जल्दी बोलना होता है क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, अगर मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो चलूँगा तो वैसे ही सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो और पीछे हो जाएगा। मैं वैसे भी थोड़ा सा फास्ट और कुछ चीज़ें यहाँ पर स्किप करता रहता हूँ, अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा और स्लो कर दूंगा तो मेरा लेक्चर और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसीलिए आप वर्ड टू वर्ड मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्योंकि प्लांट्स का प्रोसेस क्या है, कि प्लांट्स जो है वो एनर्जी यूज करता है। अगर प्लांट एनर्जी यूज कर रहा है तो वो एनर्जी आ कहां से रही है, वो आ रही है सन से, जिसके बारे में आपने काफी टाइम से पढ़ा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है प्लांट, वो मिलती है एनवायरनमेंट से। देखा जाए तो एनवायरनमेंट में सभी तरह की गैसेस मौजूद होती हैं, लेकिन उन सभी गैसेस में मैं जो बात कर रहा हूं वो बात किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, एक्चुअल में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है एनवायरनमेंट से, एनर्जी यूज़ हो रही है सनलाइट से, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइंड करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और वो वाटर कहाँ मौजूद होता है, वो वाटर ऑलरेडी इन लीव्स के अंदर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स ये बात समझ लें, लीव्स के अंदर मौजूद होता है, वो कहाँ से आता है, क्योंकि हमारे प्लांट के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जो वाटर को कैरी कराते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि उन्हें जाइलम कहते हैं, जो फूड को कैरी कराते हैं जिन्हें फ्लोएम कहा जाता है, ये सब सुना हुआ है आप लोगों ने, जो कहाँ से ले रहे हैं, रूट से ले रहे हैं। तो एक्चुअल में हमारी बात क्या है, कि जो हमारे पास वाटर है वो कहाँ प्रेजेंस है, लीव्स के अंदर मौजूद होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अगर वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल एनवायरनमेंट से करते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाते हैं। स्टूडेंट वो कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, वो है ग्लूकोज, शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम जानते हैं। आगे देखो इसके बारे में लिखा हुआ भी है, मैं उसे समझाता हूँ, फिर आगे डायग्राम में भी समझाऊंगा। तो फोटो का मतलब ही स्टूडेंट्स आया लाइट। जी सर बताएं, क्वेश्चन था जी। सर ये जो प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है जब ये फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोड्यूस करते हैं, तो सर ये जो स्टोर करके रखते हैं सर, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जैसे हम यूज करते हैं, नहीं जैसे सर हमारा तो फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो सर क्या ये यस सर, तो सर क्या ये पॉसिबल है, जैसे कोई प्लांट है और उसमें फ्रूट्स लग रहे हैं और हम उसकी सनलाइट कट ऑफ कर दें कि उसे सनलाइट ना प्रोवाइड कराएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट से वो कंज्यूम कर ले ग्लूकोज या एनर्जी? पार्ट ये है कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट में फूड को स्टोर करके रखते हैं,
यस सर, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती है वो चाहे प्लांट्स को लाइट मिले या ना मिले, लेकिन प्लांट्स के अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है, मैं आगे बताने वाला हूँ, जिसमें आप असल में फोटोसिंथेसिस दो टाइप का होता है। इन्होंने भाई पहले ही पूछ लिया, इसलिए मैं पहले ही बता दूं, नहीं तो मुझे तो बताना ही है। एक डार्क पार्ट होता है और एक लाइट पार्ट होता है। लाइट पार्ट के अंदर क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी खिली हुई होती है तो प्लांट क्या करते हैं कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने का मतलब नहीं कि सूरज की रोशनी ली और रख ली, उस लाइट से मिलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। और जब लाइट खत्म हो जाती है, सूरज डूब जाता है, तो फिर वो उस एनर्जी को यूज करते हैं डार्क में, और उस डार्क की वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे कहने का मकसद यही है और आपका सवाल भी यही है कि क्या अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स क्या अपना फूड प्रिपेयर करेंगे? डार्क रिएक्शन में वो फूड को प्रिपेयर करते रहेंगे जब तक उनके पास एनर्जी अवेलेबल रहेगी। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी सनलाइट हो जाएगी, तो आप स्टोर बोल रहे हो वो फूड स्टोर हुआ हुआ है, सुनिए मेरी बात, यस सर, समझ में आया ना? इसको मैं आगे बता रहा हूँ अभी, जब मेरी बात समझ में आएगा बता रहा हूँ, फिर आप अपना क्वेश्चन दोबारा से पूछिएगा मेरे से, आप अपना क्वेश्चन दोबारा, उम्मीद है क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो भाई इनकी बात बिल्कुल सही है, मेरे को थोड़ा सा और आगे आने दो, अभी जल्दी कोई नहीं है, मैं क्या कहते हैं सारी चीजें बता के चल रहा हूँ, मैं खुद नहीं चाहता कि कोई चीज छूट जाए। तो मैं यहाँ पर यही बता रहा था कि एक्चुअल में देखो न्यूट्रिशन तो एनिमल का भी है, न्यूट्रिशन प्लांट का भी है। अगर मैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन की बात बोलूं तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन एनिमल के न्यूट्रिशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जो न्यूट्रिशन अलग अलग है। क्या वो प्रोसेस नहीं करते? क्या वो फूड नहीं खाते? क्या कोई एक बैक्टीरिया या कोई एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहता है या जमीन के अंदर रहता है, क्या वो फूड नहीं लेता होगा? वो भी लेता होगा, लेकिन अगर हम उसके फूड की बात करें तो अभी मैं एनिमल्स के फूड के बारे में बात आगे करूंगा, पहले मैं न्यूट्रिशन पढ़ लूं प्लांट्स का, जिसके अंदर एक्चुअल में हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस भी दो तरीके का होता है, जिसमें लाइट और डार्क पार्ट भी आता है, यानी एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। ये मैं फोटोसिंथेसिस का पार्ट बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आप ऑटोट्रॉफिक में मत समझ लेना, ऑटोट्रॉफिक मैंने दो बताए थे, एक फोटोसिंथेसिस और एक कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस दो है, एक लाइट और एक डार्क। तो मैं लाइट और डार्क रिएक्शन पे भी आऊंगा, अभी आऊंगा इसी क्लास में आऊंगा, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखियो, बस मैं आगे बढ़ने वाला हूं। तो फोटोसिंथेसिस का स्टूडेंट साफ क्लियर मतलब आ गया कि जिस लाइट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट को यूज कर रहे हैं, केमिकल को नहीं, लाइट को यूज कर रहे हैं, और उससे क्या कर रहे हैं, उस लाइट को यूज करने के बाद कंबाइनिंग कर रहे हैं। किस चीज को कंबाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन कर रहे हैं। और वो कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स होता कहां पर है? वो होता है लीव्स के अंदर। तो आपके जो रॉ मटेरियल हो गए, वो रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गए, जिसका इस्तेमाल करके आप उनको कंबाइन कर क्या बना रहे हैं स्टूडेंट? सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज बना रहे हैं स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ गई? आगे कहता है द सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल की बात आई है स्टूडेंट्स, इसको मैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में समझाऊंगा, तो थोड़ा सा क्लोरोफिल को होल्ड करता हूं, इसके बारे में एक डिटेल चर्चा करने वाला हूं मैं, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि सनलाइट क्या है, एक एनर्जी है। देखो स्टूडेंट, जब आप सूरज की रोशनी बोल रहे हो ना, सनलाइट बोल रहे हो, तो आप लाइट को नहीं कर रहे, आप उससे मिलने वाली एनर्जी को स्टोर करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। आपको क्या चाहिए? एनर्जी स्टूडेंट्स, एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलेगी? सनलाइट से मिलेगी। वो एनर्जी क्या करेगी? वो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिलाएगी, जिससे क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जिसे आप क्या कहते हो स्टूडेंट? जिसे आप शुगर कहते हो। और इतना प्रोसेस होने के बाद स्टूडेंट, आप एक चीज और देखते हो कि लाइट मिली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फूड बनाया, जिसे आपने शुगर कहा, जिसका सिंपल वे में शुगर बोला जाता है, ग्लूकोज बोला जाता है, और उसमें से जो फूड्स प्लांट यूज कर लेता है, लेकिन सारा प्लांट फूड यूज नहीं कर पाता, कुछ को स्टोर करके भी रखता है, जिसे आप स्टार्च की फॉर्मेशन में कहते हैं।
तो यहां पर आप स्टूडेंट्स एक चीज और देख रहे होंगे कि इसके अंदर से ये ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जिस वाटर को मैं यूज कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उस वाटर का इस्तेमाल करने पर यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाने पर, एनर्जी को यूज करने पर, उसमें से कोई एक बाई प्रोडक्ट निकल के सामने आता है जिसे आप ऑक्सीजन कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और वो वाटर के मॉलिक्यूल टूटने के बाद उसके अंदर से एक प्रोडक्ट और निकलता है जो ऑक्सीजन गैस है, जो एनवायरनमेंट में निकलती है, जो एक प्यूरिफाई गैस बोली जाती है जिसे हम गेन करते हैं। स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हुई? ये बात यहां लिखी हुई भी है कि ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इस फूड के सिंथेसाइज होने में, सिंपल शुगर के बनने में हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट और निकल कर आता है जिसका नाम ऑक्सीजन है, जो हमें हम इनहेल करते हैं। एक्चुअली हमें इनहेल ऑक्सीजन गैस का करना है, हमें एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस करना है। स्टूडेंट हम जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो एक्चुअल में हम एनवायरनमेंट में जितने भी गैसें होती हैं हम सबका इनहेल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें उसमें से जरूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मैं यहां पर अभी दो ही बातें कर रहा हूं, सिर्फ ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बात स्टूडेंट समझ में आनी चाहिए कि जिस का वाटर, क्योंकि देखो सब कुछ स्टूडेंट यहां पर वाटर के ऊपर डिपेंड है एक्चुअल में, तो जो वो वाटर है वो जब टूटता है लाइट एनर्जी के रूप में, तो उसके तौर पर जो बाई प्रोडक्ट बनता है एक्चुअल में वो ऑक्सीजन बनती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो उस एनर्जी के प्रेजेंस में टूटता है तो एक्चुअल में स्टूडेंट शुगर बनती है, जिसे आप C6H12O6 भी कहते हैं। ये बात समझ में आई? इसी को मैं आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूं और प्रोसेस समझा रहा हूं, अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग वर्ड टू वर्ड मेरी बात को सुनिए। तो फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स क्या बनाया गया? ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स याद आ रहा होगा मैंने आप लोगों को एनाबॉलिक प्रोसेस समझाया था, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में दो तरीके के होते हैं, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में स्टूडेंट्स क्या बताया था आप लोगों ने? मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर हम लोग सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी को यूज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, क्योंकि एनर्जी को यूज करेंगे और फिर वो एनर्जी को यूज करने के बाद प्लांट अपना फोटो फूड प्रिपेयर करेंगे यानी फूड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं सबको फूड मिल जाएगा, क्योंकि प्लांट सारा का सारा फूड इस्तेमाल नहीं कर लेता बनाने के बाद, कुछ को स्टोर भी करके रखता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो क्या सनलाइट के खत्म होने से, सनलाइट के ना मिलने से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेगा या नहीं करेगा, इसको मैं आगे लाइट और डार्क रिएक्शन में पढ़ाने वाला हूं। इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है स्टूडेंट, इट प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर, और ये बिल्कुल हमारी एटमॉस्फेरिक एयर को प्यूरिफाई करता है। क्यों? क्योंकि इससे एक बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे लिए जरूरी है, और ये कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ये कंज्यूम करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा तो इससे हमारा एटमॉस्फेयर प्यूरीफाई होगा। इसीलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हम लोग लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन और प्यूरीफाई होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको बचा सकें। तो एक डेफिनेशन तो स्टूडेंट्स ये हो गई जो आप अब तक आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। एक दूसरे टाइप की डेफिनेशंस भी हम लोग लिख सकते हैं अपने एग्जाम में और वो भी बिल्कुल सही होगी। कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जिसे आप सिंपल सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो अभी अभी मैंने पीछे बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जिनका प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल में यूज करके हम लोग कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, उसे प्रिपेयर करते हैं और उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। तो जब हम दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल, तो वी गेट अ कार्बोहाइड्रेट लाइक एज ग्लूकोज वगैरह। तो ये एक सिंपल सी बात आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गई होगी कि प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस क्या है। अब आप यहां पर एक टॉपिक है जिसका नाम है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में मैंने अभी एक क्लोरोफिल नाम लिया था। आप लोगों ने इस क्लोरोफिल को बहुत बार सुना होगा और आप सुनते चले आ रहे हैं 8th क्लास से या 7th क्लास से। आज इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ। देखो एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये एक्चुअल में होता है क्लोरोप्लास्ट।
अब आप कहोगे सर ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स में। अब आप कहोगे सर ये प्लास्टिड्स क्या है, क्योंकि आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में शायद इसके बारे में नहीं मालूम कि प्लास्टिड्स कहाँ होते हैं प्लांट्स में। तो ऐसा करता हूं मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को प्लास्टिड्स के बारे में समझा देता हूं। देखो ये प्लास्टिड्स क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, मैंने यहां पर इस वजह से लिख लिया कि आप भूल गए होंगे, याद नहीं होगा, तो थोड़ा सा प्लास्टिड्स को समझ लेते हैं फिर चलेंगे हम लोग अपने साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड्स क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रान होता है, ऑर्गेनल्स है, डबल मेम्ब्रान ऑर्गेनल्स है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनल जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रान होती है और उसके बीच में स्पेस होता है, एक मेम्ब्रान दूसरे मेम्ब्रान को टच नहीं करती, जिसे एक को इनर कहते हैं और एक को आउटर मेम्ब्रान कहते हैं, और दो मेम्ब्रान के बीच में जो जो कि खाली बच जाती है उसे इनर मेम्ब्रान स्पेस कहा जाता है। ये बात समझ में आई, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है दो मेम्ब्रान है, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर वन इनर मेम्ब्रान, अगर आप नंबर वन को देखेंगे तो ये मेम्ब्रान इनर है, बाहर वाले को देखेंगे तो ये मेम्ब्रान जो है ये देखो इंटर मेम्ब्रान स्पेस, इसके बीच में जो ये जगह खाली पड़ी है ये इंटर मेम्ब्रान स्पेस है, जो ये बाहर वाली लेयर है स्टूडेंट्स बोल रहा है तीसरे नंबर पे, ये है आउटर मेम्ब्रान दिखाई दे रही है, समझ भाई। इसके अंदर कह रहा है विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी, और कहता है ये प्लांट्स और एल्गी के अंदर पाया जाता है, बात समझ में आ गई, यानी प्लास्टिड्स किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, समझ भाई। और प्लास्टिड्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। तो हमारी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कहां पर है, क्लोरोफिल पे, मैं उस पर आने वाला हूं, जरा थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लूं। तो प्लास्टिड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम भी करते हैं और मैन्युफैक्चर करने का भी काम करते हैं, एक्चुअल में वो मैन्युफैक्चरिंग ही क्लोरोफिल के अंदर होती है। तो दीज ऑफन कंटेन्स पिगमेंट दैट आर यूज इन फोटोसिंथेसिस, तो यहां पर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल्स, और हमारे पास स्टूडेंट्स पिगमेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं जिसकी चर्चा मैं साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ाने के बाद करूंगा। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स को जो बोला गया है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स मिलते हैं विद देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और उनका काम भी स्टूडेंट्स अलग अलग होता है, ये सब आप 11th क्लास की बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, जिसको आगे भी बायोलॉजी पढ़नी है वो अपना बेसिक यहीं से मजबूत करके चले। अमंग देम अ फ्यू आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ बायोलॉजिकल पिगमेंट एंड देयर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में हमने नाइन्थ क्लास में सुना हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ग्रीनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और ये सब टाइप के प्लास्टिड्स का यहाँ पर आपको कुछ फिगर भी दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूँ वो क्लोरोप्लास्ट की बात करने जा रहा हूँ। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर पाया जाता है, प्लास्टिड्स के अंदर पाया जाता है, और प्लांट्स के अंदर यानी हरे पौधे और एल्गी वगैरह वो भी ग्रीन होती हैं, उसके अंदर प्लास्टिड्स मौजूद होता है। तो प्लास्टिड्स क्या हो गया, जिसके अंदर फूड स्टोर भी होता है और फूड मैन्युफैक्चर भी होता है। तो फूड मैन्युफैक्चर कौन कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, वाता इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और उसको मिला रहे हैं किसके साथ, किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, वाटर के साथ, तब जाकर वो फूड प्रिपेयर हो पा रहा है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लास्टिड्स पे जरूर समझ में आया होगा। मैं पीछे चलता हूं, यहां पर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ द सेल, क्यों, क्योंकि हमारे घर में मम्मियां किचन में खाना बनाती हैं, तो एक्चुअल में जो खाना बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम शायद आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में देखा हो तो याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अभी अभी बताया कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो आउटर बाउंड्रीज हैं, आउटर बाउंड्रीज देख रहे हो, ये आउटर है, ये इनर बाउंड्रीज है, और इसके बीच का जो स्पेस देख रहे हो इसी को इंटर मेम्ब्रान स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, ये जो खाली जगह देख रहे हो आप, ये जो खाली जगह देख रहे हो, नहीं देख रहे, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपकी नज़रें बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए और मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आप सुने, वर्ड टू वर्ड मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो स्पेस है स्टूडेंट्स, इसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। सबसे पहला मैंने क्या बताया, स्ट्रोमा, इसे ध्यान रखना है खासतौर से स्ट्रोमा क्या है। उसके बाद आप स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे, ये कॉइन की तरह, ये कॉइन की तरह, सिक्कों की तरह ये दिख रहे हैं अलग अलग स्टूडेंट्स,
सुनवाए ना, इसी को क्या कहते हैं, इसको इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड ध्यान रखना, ये सिंगल सिंगल स्टूडेंट्स, अगर आप, मैं सिंगल हूं तो मैं थाइलाकॉइड हूं और आप भी मेरे साथ हो तो हम ये देखो स्टैक बना रखे हैं, एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड है, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे ग्रेना। बात समझ में आई, ग्रेना। एक्चुअल में क्या नाम लिखते हैं, ग्रेना, ऐसे करके लिखते हैं ग्रेना। तो अगर ये सब एक साथ है, यानी एक के ऊपर एक कॉइंस की तरह एक के ऊपर एक प्लेस करके रखे गए, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ग्रेना कहलाएंगे। एक सिंगल स्टूडेंट तो उसे क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड कहेंगे। इसके बाद आपको स्टूडेंट दिख रहा होगा ये हल्की लाइट ग्रीन कलर की एक लाइन नजर आ रही है यहाँ पर, लाइट ग्रीन कलर की, इसको क्या कहते हैं, लैमेला कहते हैं। इसका काम क्या है स्टूडेंट, इसका काम है कि सभी थाइलाकॉइड को जो स्टैक में है यानी एक दूसरे के ऊपर है उनको जोड़ कर रखना, बांध कर रखना। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आप लोग घूमने जा रहे हैं और आपके साथ सात आठ लोग फ्रेंड्स आपके साथ में, अगर आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे तो स्टूडेंट तो कोई भी इधर से उधर नहीं जाएगा, सब वहीं के वहीं मूव करते रहेंगे। तो लैमेला का काम क्या है, लैमेला का काम यह है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जितने भी थाइलाकॉइड्स हैं और उनके स्टैक्स को ग्रेना बोला गया है, ये सबको एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के अंदर एक लाइटेश ग्रीन कलर का सब्सटेंस नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। अब आप बोलोगे सर इतना सारा आपने जो पढ़ाया इसका क्या फायदा, इससे आप क्या समझाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं, इसको समझिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि ईच डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट हैज टू डिस्टिंक्ट एरियाज, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। अब आप स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, ग्रेना जिसके अंदर ये जो स्टैक्स देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो स्टैक्स देख रहे हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या मौजूद है, एक्चुअल में इसके अंदर ही क्या है, क्लोरोफिल है। इससे साफ पता चला कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था एरो के ऊपर लिखकर बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, यानी कि जब सूरज की रोशनी मिलेगी और लाइट हमें मिलेगी तो क्लोरोफिल के अंदर यानी कि ग्रेना के अंदर रिएक्शन होगी, जिसे स्टूडेंट लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो फोटोसिंथेसिस जब ग्रेना के अंदर होगा यानी उसको क्या मिलेगा स्टूडेंट, सनलाइट मिलेगी। तो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसे लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बोलोगे सर आप अगर लाइट रिएक्शन के अंदर हो रही है और यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फिर स्ट्रोमा का क्या काम है। आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं और रिएक्शन करने के लिए क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, एंजाइम्स की भी जरूरत होती है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो फिर क्या कहोगे आप, स्ट्रोमा का क्या काम है, तो मैंने वही बोली कि जब दिन के समय में लाइट एनर्जी को हमारे अंदर यानी यहाँ पर प्लांट्स क्या करेगा, उसके अंदर स्टोर कर लेगा। तो जब सूरज की रोशनी रहेगी तब तक प्लांट्स उस एनर्जी को स्टोर करता रहेगा और जब तक वो इसको स्टोर करेगा तो वो जो उसके अंदर रिएक्शन होगी वो लाइट रिएक्शन होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब लाइट ख़त्म हो जाती है तो क्या प्लांट मर जाएगा, नहीं मरेगा, प्लांट्स अभी भी रिएक्शन करेगा, यानी प्लांट्स लाइट में भी और डार्क में भी रिएक्शन करता है। और जो डार्क रिएक्शन होगी यानी कि जब अंधेरा हो जाएगा और प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलेगी यानी कि सनलाइट नहीं मिलेगी, तो फिर वो डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होगी वो कहां पर होगी स्टूडेंट, स्ट्रोमा में होगी। इससे ये पता चला कि दिन के समय में भी और रात के समय में भी, यानी दिन के समय में जो एनर्जी वो यूज़ करता है उसका इस्तेमाल वो रात के समय में भी अपनी एनर्जी को बनाने के लिए करता रहता है। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के कंसेप्ट को आप आगे हायर क्लासेस में विद एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं कि क्या है। तो मैंने तो आपको जो समझाने का कोशिश करी है वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी साइट क्या है, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में होता है, एक्चुअल में वो क्लोरोफिल है कहाँ, वो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, वो प्लास्टिड्स के अंदर है। वो प्लास्टिड्स कहाँ मौजूद होते हैं, वो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स इतना बताने के बाद आपके दिमाग में एक बात तो और सवाल आना चाहिए था कि ये तो बात हो गई उनकी जिनके पास क्लोरोफिल होता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का। तो क्या ऐसे प्लांट जो हरे रंग के अलावा लाल रंग के, बैंगनी रंग के नजर आते हैं तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो मैं स्टूडेंट्स बता दूं कि डिफरेंट टाइप्स के जो कलर्स के प्लांट होते हैं उनके अंदर पिगमेंट अलग अलग हो जाता है, लेकिन पिगमेंट का अलग होने की वजह से भी उनके अंदर
उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है और डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल जो प्लांट्स होते हैं उनके कलर पिगमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जैंथोफिल है, जैसे क्लोरोफिल है वैसे जैंथोफिल है, कैरोटेना है, एंथोसाइनिन है, टैनिन्स हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स हमारे प्लांट्स में मिलते हैं स्टूडेंट्स, और इनके अंदर भी वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सेम चलता है, कोई फर्क नहीं है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से, कंसेप्ट वही है, प्रोसेस वही है, बस उनके अंदर जो पिगमेंट है वो डिफरेंट है, और जो हम ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं उनके अंदर जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का है, बस इतना फर्क है, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि उसके अंदर मौजूद क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पाया जाता है। तो एक बात समझ में आई यहाँ पर, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, अगली क्लास में मैं लाइट और डार्क रिएक्शन का एक मैकेनिज्म है छोटा सा वो समझाऊंगा, उम्मीद है वहाँ से आप लोगों को ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में मैं अगर बात करूँ तो जब लाइट रिएक्शन होती है तो स्टूडेंट्स मैंने अभी पीछे बोला कि लाइट रिएक्शन के दरमियान में जब सूरज की रोशनी मिलती है और सन उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद एक्चुअल में होता क्या है कि वाटर टूटता है ऑक्सीजन में, क्योंकि स्टूडेंट दिन के समय में प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ध्यान रखना, तो दिन के समय में अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो कहीं ना कहीं वाटर का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन में हो रहा है, तो लाइट के में वाटर टूटता है ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में टूटता है मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स में, तो इसकी चर्चा स्टूडेंट्स मैं अगली क्लास में करूंगा, आज की क्लास में उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, और अब मैं फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, तो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे कि क्या है और कैसे इसको करना है, बार बार इनको देखिए, अपनी बुक्स वगैरह उठाइए उसमें देखिए कि हमारे सर ने हमें कितना टॉपिक्स पढ़ा दिया, कहां तक का काम कंप्लीट हो गया, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाइए, ये काम आप लोगों को देखो करना ही होगा, अगर आप इतना नहीं करेंगे तो ये बोझ आपका बढ़ता चला जाएगा और आप एकदम ही इसको हल्का नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ये बात समझ लेना। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ, ओके, थैंक यू सो मच।